कोटा संभाग में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा न करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो दिन बाद बुधवार को पलटवार किया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजनाओं के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए गहलोत ने कोविड की दूसरी और तीसरी लहर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश से कोरोना अभी गया नहीं है, एक्सपर्ट अभी भी बोल रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, इस कारण मैं खुद कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। अगर मैं बाहर निकला तो लोगों की भीड़ जुटेगी और फिर लोग ही कहेंगे कि मुख्यमंत्री खुद कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, मेरे लिए तो बड़ी समस्या बनी हुई है, इसमें क्या करें। कोरोना का मैं फिर कहना चाहूँगा, कोरोना गया नहीं है, बल्कि कल भी डेल्टा प्लस की खबर आने लग गई, चिंताजनक थी वो। अब भी लोग बहुत ही एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि आप बच के चलो, स्कूलें खोलने का मुद्दा हमारे सामने है, उसका फैसला जल्दी करना, क्योंकि 12-13 राज्यों में स्कूलें खुली भी है, वो भी देना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि जल्दी ये मतलब तैयारी जो हमने कर रखी है उसमें आप सबका सहयोग, आपके अलर्टनेस, आपका समझाइश, आपका जो प्रोटोकॉल होता है मास्क का भी और डिस्टेंसिंग का भी, उसको अपने क्षेत्र में फॉलो करवा। मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ, कई जगह जाऊँगा तो वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी तो कहेंगे आप मुख्यमंत्री खुद ही प्रोटोकॉल तोड़वा रहे हैं, तो मेरे लिए तो बड़ी समस्या बनी हुई है कि इसमें क्या करना चाहिए। मंत्री भी जाते हैं कई बार तो उनको कहना पड़ता भी ध्यान रखो, वहाँ पर भीड़ नहीं आनी चाहिए। गौरतलब है कि दो दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया था। इसके बाद राजे ने एक बयान जारी कर कहा था कि बाढ़ और अतिवृष्टि की मार से परेशान हड़ौती की जनता खून के आंसू रो रही है। राज्य सरकार जयपुर के सिविल लाइन्स में चैन की नींद सो रही है। राजस्थान के सीएम बाहर निकलें और जनता की सुध लें। गहलोत ने जयपुर में बनने वाले विधायकों के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का शिलान्यास किया। इस परियोजना में 6 ब्लॉक बनाए जाएंगे जिसमें कुल 160 फ्लैट बनेंगे। इस परियोजना में हर फ्लैट 3200 वर्ग फीट में बनेगा जिसमें 4 बेडरूम और 1 सर्वेंट रूम होगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, हेल्थ सेंटर और एक बड़ा सेंट्रल हॉल के साथ तमाम सुविधाएं होंगी। इसके अलावा IAS अधिकारियों की आवासीय योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना और जयपुर के प्रताप नगर में स्टूडियो अपार्टमेंट की योजना का भी शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा प्रमुख शासन सचिव UDH, हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी भी वर्चुअल जुड़े। सबकी जब एक से मंशा हो तो जहाँ मुझे आप लोगों ने बैठाया है, मेरी तो पहले नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आप सभी भावनाओं का आदर कर करूँ, ये तो मेरा नैतिक कर्तव्य भी है। इसलिए एक झटके में स्पीकर साहब ने और गुलाब सिंह कटारिया जी ने और धारीवाल जी ने 2.25 करोड़ करवा दिया 2 मिनट के अंदर अंदर। पता नहीं बड़ा ये हुआ क्या, उसके अंदर क्या हो रहा है, खाली बस वो स्पीकर साहब का माइक जो था, मई जोशी जी ने थोड़ा इशारा कर दिया और वो रुक गए। अगर वो हाउस एडजॉइन कर देते अगले दिन के लिए तो वो नहीं होता, खाली बस सेकंडों की बात थी। उस सेकंडों में जो काम हो गया वो मेरे ख्याल से कई घंटे की बहस में भी नहीं हो पाता कई बार, पर उन सेकंडों के अंदर मैं समझता हूँ 2-4 मिनट के अंदर ही कटारिया जी ने भी, राजेंद्र राठौड़ जी ने भी और स्पीकर साहब और धारीवाल जी ने जिस प्रकार से पहले षड्यंत्र कर रखा था मेरे खिलाफ में कि किस प्रकार से हमें इसको मतलब बनवाना है, पहले माने सबने बना लिया, विधायकों ने पूछ लिया, तो मुझे तो करना ही था। तो मुझे खुशी है कि आज 5 करोड़ रुपये विधायकों को जब मिलने लगेगा, मिलने लग गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी रूप में वो अपने क्षेत्र में सेवा भी कर पाएंगे। और इसमें भी गुजरा नहीं, धारीवाल जी जो कहा है पवन अरोड़ा ने और जिस तरह हाउसिंग बोर्ड को वहाँ पर रिवाइव किया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जब विपक्ष में थे तो रोज सुनते थे हाउसिंग बोर्ड बंद करने की नौबत आ रही है। जिस रूप में वापस आके उन मकानों को 50% रेट में बेचा गया है,
गरीबों को भी, मिडिल क्लास लोगों को भी, बहुत बड़ा डिसीजन था वो भी। और आज 3000 करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए, 9000 करोड़, 9000 के आस पास मकान बिक गए। तो ये तमाम फैसले तभी हो पाते जब आप बोर्ड डिसीजन लो। आज रिवाइव हो गया वापस हाउसिंग बोर्ड, अब तो और ज़्यादा स्कीमें जो अभी एक के बाद एक अभी मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ये योजना आज से ही नहीं, ये बरसों से लंबित थी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी उनकी सोच थी कि इस प्रकार के निर्माण होना चाहिए जिससे कि एक ही जगह पर सुरक्षित तरीके से और सद्भाव जिससे सौधारी बढ़ सकता हो, इस तरीके की योजना के अनुसार जो है एक ही जगह पर विधायकों के निवास बनाए जाएं। लेकिन किसी न किसी कारण से वो बात रह गई थी। अचानक एक बार ऐसा हुआ कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में बैठा हुआ था और बात चली, 2-3 और विधायक साथी भी थे, और बात चली कि साहब किस तरीके से जो है विधायक निवास जो है बनाए जाने चाहिए। जो पुराने आवास हो गए हैं 50-50, 40-40 साल के, जो करोड़ों रुपया हर साल इसमें लगाया जाता है और फिर भी जो है हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। तो जब लगा इस बात के लिए कि साहब इसी जगह पर जो है ज्योति नगर के जो पश्चिम का हिस्सा इलाका है वहाँ पर ही जो है ये सारा आवास बनाए जाए। आगे बात बढ़ी, एक कमेटी बनी जिसमें कटारिया साहब भी थे, मैं भी था, और भी हमारे तो 3 मंत्री और भी साथ थे। हमारी 1-2 मीटिंगें भी हुई और मीटिंगें होकर के ये तय हुआ कि किसी ये सुविधाजनक और सुरक्षित तथा आरामदायक जगह ऐसा कैंपस बनाया जाए जहाँ पर कि जो है विधायक जो है पूरी सुविधा के साथ में रह सके, उसको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों। आज MLA हाउसिंग बोर्ड के उसमें रह रहे हैं, वरना सर एक बात थी, जब 2008 में मैं MLA आया उससे पहले भी लोग कहते थे नाम मकान का दे दो लेकिन खाली प्लाट दे दो जिससे हम हमारे हिसाब से बना लें, और हाउसिंग बोर्ड के मकानों को तोड़ करके और फिर नए मकान बनाते थे। आज वो स्थिति नहीं रही तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और जिस प्रकार का जो हाउसिंग के ये जो बन रहे हैं MLA के, मैं समझता हूँ कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं, और जनता की सेवा सही तरीके से तभी हो सकती है जब वो व्यक्ति आराम से अपने परिवार को और अपने परिवार के साथ आराम से रह सकता हो, उसको सारी सुविधाएं मिले, और उनके पास आने वाले जो जन हैं उनको भी आराम से बैठने का स्थान मिले, उनको चाय के लिए जगह मिले, उनको लोन अगर रहना पड़े तो रात को रुकने के स्थान मिले। सच में मैं सबसे पहले तो CP जोशी साहब आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने विधायकों की उस पीड़ा को समझा और उसको कार्य रूप में परिणित करने का प्रयास किया, क्योंकि मैं इस पीड़ा को लंबे समय से भोग चुका हूँ। मंत्री होते हैं तो हमारे मकान बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही विधायक बनते हैं तो 2 कमरा और एक अतिथि जो आते हैं उनको बिठाने का कमरा मिलता है, और जिसके बच्चे बच्ची पढ़ने वाले हों, अपने क्षेत्र से आने वाले लोगों को सुलाने की जगह, उनको बिठाने की जगह भी हमारे पास उपलब्ध नहीं होती थी, तो इस पीड़ा को हम लंबे समय से अनुभव कर रहे थे। आज जिस प्रोजेक्ट को हम कंसीव करके मूर्त रूप दे रहे हैं उसमें टाइटल क्लियर होने के कारण हम ये आगे बढ़ सके, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जिनकी भूमिका रही, स्टार्ट में भी टाइटल क्लियर नहीं होता कोई चीज नहीं होती। और धारीवाल साहब का मामला अलग है, जैसा अभी बताया गोविंद जी ने, धारीवाल साहब के ओन एक्सपीरियंस थे NBC के बारे में, तो धारीवाल साहब के मन में कल्पना थी जब ये बने तो उसका क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। जो कॉस्ट के बारे में उनका रिजर्वेशन था कि NBC की कॉस्ट ज्यादा है, तो कॉस्ट कम होनी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, फैसिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ये सारा आइडिया धारीवाल साहब का भी। हम तो न तो हम UDF मंत्री रहे, न मुख्यमंत्री जी के तहत 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो ये 2 जो हमारे पिलर हैं मुख्यमंत्री और UDF मंत्री, इन दोनों के अनुभवों का लाभ लेकर हमने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कल्पना की। और जब हमने कल्पना की तो कटारिया साहब का, जिस प्रतिपक्ष के नेता है उनकी भूमिका बहुत ज्यादा थी, क्योंकि एक मुझे एक लेटर मिला 30-40 MLA का साइन करके कि हम क्वार्टर खाली नहीं करते।